हाय गाइस, मेरी स्किन ना काफ़ी ऑयली है एंड एक्ने प्रोन भी है एंड समर में तो भयंकर एक्ने आ जाते हैं, साथ के साथ डार्क स्पॉट्स भी आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, नोज़ के एरिया में ऐसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं एंड ऑल्सो क्लॉक्ड पोर्स की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। सन टैन की वजह से फोर हेड्स भी डार्क हो जाती थी। सो मैंने ना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था डॉटन की का सीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल, कुछ इस टाइप से पैकेजिंग में आती है एंड इट इज़ अ जेल फॉर्म में नाइट क्रीम बोल सकते हो आप। सो ये बिल्कुल ऐसे जेल में आते हैं जैसे नॉर्मल हमारी जो एलोवेरा जेल आती है ना, उससे थोड़ा सा थिक है ये एंड काफ़ी अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है एप्लीकेशन के बाद। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इसको आपको अप्लाई कैसे करना है एंड इसको यूज़ करने के बाद आपको स्किन में क्या क्या रिजल्ट दिखेगा। सो गाइस, ये है डॉटन की का सीका कामिंग नाइट रिन्यूइंग जेल। ये स्पेशली आपको रात को ही लगानी होती है। इसको अप्लाई करने से आपकी जो एक्ने होती है ना उसको बहुत ही काम डाउन कर देती है, साथ के साथ रिड्यूस भी कर देती है ओवरनाइट। इट इज़ इन्फ्यूज्ड विथ सीका नाइसिनमाइड हाइलोरोनिक एसिड एंड ग्रीन टी, हेल्प्स हील एक्ने एंड ऑल्सो सूद इन्फ्लामेशन। आपके एक्ने एंड डार्क स्पॉट्स को फेड करने में काफ़ी मदद करता है, साथ के साथ ये एक्ने होने की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करता है एंड स्किन में एक बैलेंस्ड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑयल फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री एंड नॉन कॉमेडोजेनिक। इट इज़ लाइट वेट ऑन स्किन एंड ऑब्वियसली ये एक जेल टेक्सचर में आती है। इसके साथ मुझे ये स्पैचुला भी रिसीव हुई है, तो आप चाहे तो इससे भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये कुछ इस टाइप की ग्लास पैकेजिंग में आती है। इसकी क्वांटिटी है 60 ml एंड काफ़ी क्यूट सी पैकेजिंग है। MRP है 495 rupees, बट मैंने ये बाय वन गेट वन ऑफर में लिया था तो मुझे काफ़ी सस्ती पड़ गई। सो आप भी इसे स्पेशली ऑफर में लीजिएगा तो काफ़ी कम पड़ेगा। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, मैंने तो कभी कभी इसे फुल MRP देके भी परचेस किया है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है मतलब MRP मैटर नहीं करता है, बस हमारी स्किन क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपको इसका थोड़ा टेक्स्चर निकाल के दिखा देती हूँ, विच इज़ फुल्ली लाइक जेल, बिल्कुल भी कोई आपको हैवी नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड अप्लाई करने के बाद बिल्कुल वाटर लाइक आपको टेक्सचर फील होगा अपनी स्किन में एंड स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा एंड प्रॉपर हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट रहता है आपकी स्किन अगर ऑयली है, एक्ने प्रोन है, ड्राई स्किन के लिए सूटेबल नहीं है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना एकदम हल्की नेचुरल सी फ्रेग्रेंस है, हालांकि यहाँ पर मेंशन्ड है कि इट इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, तो कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस तो नहीं है, लेकिन एक नेचुरल सूदिंग सा फ्रेग्रेंस ज़रूर मुझे मिल रही है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आप भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस नाइट जेल को आपको डेली रात को सोने से पहले अप्लाई करना है, चाहे इसके पहले आप सीरम भी अप्लाई कर सकते हो या फिर एसेंस भी अप्लाई कर सकते हो या फिर सिंपल अपने नाइट टाइम स्किन के रूटीन में सिर्फ इसे ही अप्लाई करके सो सकते हो। काफ़ी बढ़िया रहता है, ओवरनाइट स्किन में काफ़ी बढ़िया ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है ताकि आपकी स्किन जब आप सुबह उठो काफ़ी खिली, ब्राइटेंट एंड क्लीन नज़र आए एंड ये एक्ने पे बहुत जल्दी वर्क करता है, स्किन में से डार्क स्पॉट्स को निकालने में बहुत फास्ट वर्क करता है। मेरे तो एक मंथ में ही स्किन काफ़ी स्टिल क्लियर जैसी हो गई थी। तो डेफिनेटली अ मस्ट हैव प्रोडक्ट, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट यस ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। सो इसकी जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज इट, इसके वेबसाइट से बेसिकली परचेस कर लेना, बहुत ज़्यादा ऑफर्स एंड कॉम्बोस चलते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं इसको ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, फेस मास्क भी यूज़ करती हूँ। अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट मैं रिव्यू करूँ आपके लिए।